हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक मिनट, मैं थोड़ा ना अच्छे से बैठ जाऊँ पहले। हाँ, तो मैं हूँ इशिका और आप सभी का वेलकम है मेरे इस क्यूट से चैनल इश्कू पे। तो मैं आप लोगों के लिए ना आज एकदम मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेकर आई हूँ। मतलब आप उसको देखोगे ना तो सोचोगे वाह क्या ही चीज़ है ये। तो चलो हम मैं आपको दिखाई दूँ, इतना सस्पेंस क्या रखना। तो ये है वो चीज़, पील ऑफ लिपस्टिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रही है। अभी क्या मतलब कुछ टाइम हो गए इसे चलते हुए और ये मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक मिनट मैं पूरा ही आपको बता दूं। तो ये मेरे पास पूरे के पूरे छह है और मैं आपको इन सब का रिव्यू देने वाली हूँ। इसे मतलब लगा कर इसका कैसा कलर पे ऑफ आता है वो मैं सब आपको दिखाऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा वाला लगाऊँ यार, सब तो अच्छे लग रहे हैं। चलो मैं ये पिंक कलर का लगाती हूँ, ठीक है। ये मैंने ये वाला शेड चूज़ किया है पिंक कलर का। इस शेड का नाम है लवली पीच। तो इसमें हमें सिंपली इसे अपने पूरे लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अब हमें वेट करना है 10 मिनट जब तक ये सूख ना जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क है। तो ये पूरा सूख चुका है और अब हमें इसे पील ऑफ करके निकाल देना है। तो इसका कुछ ऐसा लाइट पिंक कलर का शेड आया है जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है लिप्स पर। और अगर बात करें इसके ट्रांसफ़र प्रूफ होने की, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो अब मैं इसे रिमूव करूँगी और लगाऊँगी अपना सेकंड शेड। इस शेड का नाम है वाटरमेलन और ये इस कलर का है। चलिए मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था, बट क्या करूँ, ये पील ऑफ लिपस्टिक है तो इसे पील ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा कलर आया है। ये भी लाइट पिंक कलर का ही है बट उससे थोड़ा सा डार्क है। जो मैंने पहले लगाया था ना, वो उससे थोड़ा ये डार्क है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो ये है शेड नंबर 3, जिसका नाम है रोज़ पिंक और ये भी पिंक कलर का है। आप देखती हूँ कि ये रिमूव करने के बाद कैसा लगेगा। तो मैंने इसे रिमूव किया और इसका जो कलर है ना, वो पहले वाले मतलब मैंने जो सेकंड में लगाया था उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पिंक है, एकदम रोज़ की तरह, पिंक वाले रोज़ की तरह। और ये भी बिल्कुल ही ट्रांसफ़र प्रूफ है। देखो गाइज, इसकी हालत थोड़ी ख़राब थी बट मैंने उसे साफ़ कर लिया और अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसका कलर मुझे अच्छा लगा। और इस शेड का नाम मैं आपको बता दूँ, इसका नाम है स्वीट ऑरेंज। आई थिंक ये ऑरेंज कलर का ही आएगा इसे पील ऑफ करने के बाद। लगाने के बाद तो ये रेड लग रहा है पर जब मैंने इसे पील ऑफ किया ना, तो ये देखो इतना प्यारा सा ऑरेंज कलर ही इसमें से आया, जैसा कि मुझे लगा था। इसमें मैंने ना थोड़ा सा ग्लॉस लगा के देखा और ग्लॉस लगाने के बाद तो ये और ज़्यादा चमक गया। तो अगर आपको इसे लगाना है और आपको ड्राई लगता है तो आप इस पर ग्लॉस लगा सकते हो, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। एक चीज़ और देखो, ये जल्दी रिमूव नहीं होता तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई इसे रिमूव करने में, बट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये कि ये जल्दी रिमूव नहीं होता है। पूरा रगड़ रगड़ के जाके मैं इसे रिमूव करके आई हूँ। तो ये है हमारी शेड नंबर 5, जिसका नाम है सेक्सी रेड। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। और वाओ, इसका शेड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। मतलब मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, पर पील ऑफ करने के बाद भी देखो ये उतना भी बुरा नहीं लग रहा। अगर आपको शाइनी शेड चाहिए तो आप इस पर ग्लॉस लगा सकते हो। तो ये है हमारी लास्ट शेड। पर मेरी लिप्स की हालत देखो गाइस, एकदम ही ख़राब हो चुकी है। तो मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो ये लगाने के बाद कुछ ऐसा लगता है, बट पता नहीं क्यों मुझे ना ये लगाने के बाद थोड़ी सी जलन हो रही थी। बाकी कोई भी ऐसा भी शेड मैंने लगाया तो मुझे जलन नहीं हो रही थी, पर ये लगाने के बाद मुझे बहुत जल रहा था। पर इसका जो कलर पे ऑफ आया है ना, ये बाकी सारे लिपस्टिक से सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे ये लगा है। और सबसे ज़्यादा डीप, सबसे ज़्यादा डार्क भी इसी का शेड है। तो यहाँ पर हो रहा है इसका वाटर प्रूफ टेस्ट।
और आप देख ही सकते हो यह फेल हो चुका है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और यह पूरा निकलता जा रहा है। टिश्यू पेपर से साफ़ करने के बाद इसका थोड़ा मोड़ा टिंट रह जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मतलब लगाओ निकालो, पर कोई बात नहीं, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो मेरी इस मेहनत के लिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मेरे लिए एकदम प्राइसलेस गिफ्ट होगा। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे।